वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसी मुद्दे पर सांसद का इलेक्शन पीछे जीता था कि जो रेड लाइन के बाहर जितने भी मकान बने हुए हैं उनको हम पक्का कराएंगे, लेकिन उस टाइम इन्होंने मुद्दा तो प्रॉपर बनाया, उस मुद्दे का फायदा भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद जीती, लेकिन गांव वालों के साथ और जो रेड लाइन के बाहर बसे हुए हैं उनके साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के एडवाइजर जो सरकार के तरफ से नियुक्त हैं उनका स्टेटमेंट आ गया कि किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी और ना इनको समय के रहते हुए इनको तोड़ा भी जाएगा। तो यहाँ विभिन्न मुद्दा है, इसके अलावा एक ये भी वादा किया था यहाँ की सांसद किरण खैर ने कि जो कॉलोनिया दो बहुत बड़ी है संजय और कॉलोनी नंबर 4 कि दोबारा जो छूटे हुए हैं सबको दोबारा सर्वे करवाकर और उनको भी कहीं ना कहीं पुनर्वास स्कीम के तहत मकान दिया जाएगा, जो कि पवन कुमार बंसल जी के रहते हुए जो मकान मिल गया वो मिल गया। उसके बाद दूसरी बार सांसद अपने किरण खैर जी बनी और सत्ता दिल्ली में भी इनकी सारी सत्ता में है, उस कॉलोनी वाले जो कि आज के डेट में भी कम से कम 10,000 के लमसम झुकी झोंपड़ी वाले हमारे भाई बैठे हुए हैं, किसी भी प्रकार की ना कोई पार्षद ना कोई एमपी ना कोई उनका नेता किसी प्रकार के उन्होंने नहीं ले पाए। तो ये ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो हैं प्रतिनिधि, मुझे लगता है कमलनाल जी से हम ये देखेंगे। पहले हम गुरुप्रीत जी के साथ हैप्पी जी से बात करते हैं। हैप्पी जी, आपने सारी बात उनकी सुनी और ये जो खासतौर पे लाल डोरे वाला मुद्दा है ये मैं हम तो काफ़ी समय से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लगभग हर गांव का ये मुद्दा है और अब ये गांव क्योंकि पहली बार एमसी में आने जा रहा है तो एक तो इस मुद्दे को बताइए और बाकी जो उन्होंने मुद्दे उठाए उनका क्या होगा। लाल डोरे का जो मुद्दा है ये 22 गाँव का मुद्दा है जी और ये हमारी सरकार ही हल कर लेगी। 70 साल पे जो कांग्रेस ने नहीं किया है वो तो मोदी सरकार ने किया है। राम मंदिर का जो निर्माण हो सकता है आप तो ये देखिए ये चुनाव जो है मुद्दा 370 कम से कम अभी फिलहाल स्थानीय मुद्दों की बात करिए बाद में देखो। ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं है, ये सेंटर में होना है, ये पार्लियामेंट में ये एक्ट जो है 1952 वहाँ से खत्म होगा। तो ये मोदी सरकार बहुत जल्दी ये भी निर्णय लेगी। रही बात जो इन्होंने कहा कि तार का, मैडम एमपी खेर के फंड से 11,000 वोल्ट की तार ऊपर से जो तार निकलती थी वो सारी तार हटाई गई, अंडरग्राउंड तार हुई है। पानी का रेड लाइन के अंदर का काम शुरू हो चुका है, सीवरेज का और पानी का। जहाँ तक रही बात बार की, बाद में सारी सड़कें पंचायत के टाइम से लोगों के सहयोग से बनी है। जो गैस कॉलोनी को सड़क जाती है मैडम किरण खैर के फंड से बनी है। जो भी ये रोक लगा रहे हैं कि मकान टूटेंगे, एक भी मकान ना अभी तक टूटा है और ना टूटने देगी भारतीय जनता पार्टी, सारे लोगों के साथ खड़ी है। जहाँ तक रही कॉलोनियों की बात, कॉलोनियों का सर्वे हो रहा है, किसी को बगैर जो 2009 के बाद के सर्वे हैं, लोगों के कुछ लोग छूट गए हैं उनका सर्वे हो रहा है। 4 नंबर कॉलोनी में जो लोग बैठे हैं उनको मकान जरूर मिलेंगे, उनका सर्वे चल रहा है। इलेक्शन से बाद प्रोसेस जो भी रह गए हैं उनका शुरू होगा। जो इनके तिवाड़ी जी के आरोप हैं वो बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और वो 35 की 35 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। ठीक है, आप दोबारा आएंगे। हम सुनील जी भी हैं, आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है। तो सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इलाके की समस्याओं के बारे में और अब तक की जो पंचायत की या जो वार्ड के काउंसलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ये तो लाल डोरे का मुद्दा है, ये सिर्फ चुनाव के टाइम ही इनको याद आता है और इसको भरपूर तरीके से इसको उठाया भी जाता है, लेकिन बाद में चुनाव ख़त्म होते ही ये सब इतने भी कागजी जो मामले जामे इतने भी उन्होंने बनाए होते हैं, जैसे कि एक्ट की बात करें। देखिए, बात होती है नीयत की। अगर आपकी नीयत साफ है तो जो कार्य आप करवाना चाहते हैं, सेंटर है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। अब मैं जहाँ तक बात करूँ 9 नंबर वार्ड की, तो यहाँ पे नशा, इसके बारे में अभी तक मेरे ख्याल से बात नहीं हुई है। नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कई माँ बाप ने अपने लाख को खोया है, बच्चों को खोया है। चिट्टा, ये जो बड़े मगरमच्छ है ये बिना नेताओं की शहर पे, बिना नेताओं के सहयोग से ये नहीं मुमकिन है। क्या ये इनको इनकी नॉलेज में नहीं है ये चीज़ें? जहाँ तक रही कि क्या मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं, ये आपको बखूबी पता है, मीडिया में है और आप देखते भी होंगे। इसकी जगह जगह खड्डे, सड़कें और शिक्षा, जिस कभी भी मैं देखा काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी एडमिशन नहीं बच्चों की,
डीओ के पास जाते हैं, डीओ साइन करता है, डीओ बोलता है सेक्टर 26 में आपको एडमिशन मिल जाएगी, वहाँ पे प्रिंसिपल बोलती है कि वहाँ यहाँ पे हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास फुल हो रखी है। फिर डीओ के पास जाते हैं, फिर आखिरी में आता है भैया एडमिशन का, काफी जगह पे ये दिक्कत है, काफी नेताओं की शिफारिश चाहिए, बस वही है ये मसला है। हम आते हैं, हम इस मामले में चमनलाल जी से बात करेंगे। चमनलाल जी, एक तो ये जो लाल डोरा वाला मसला, ठीक है उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे, मोदी सरकार आएगी, लेकिन सुनील जी की बात तो मेरे को बिल्कुल अपील कर रही है कि ये मुद्दा जो है जब चुनाव आते हैं तभी लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश होती है, अदरवाइज उनके ऊपर तलवार जो है वो लटकती है, लगता है कि कभी भी उनके मकान गिर सकते हैं कभी भी। तो ये इस को लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, इन्होंने जो नशे का मसला उठाया, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आए हम उनका स्वागत करते हैं। जी 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 जी, जो स्कूल की समस्या है, हमारा जितने स्कूल तक है जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चा इसके ऊपर पार्ट ऊपर जाता है, टेंथ के पहला स्कूल है, उसके बाहर में दिक्कत आ रही है, हमारे गढ़ुआ में दिक्कत नहीं आ रही, हमारे बाहर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बाकी सड़कों में जो खड्डे हैं सब, हम कोई खड्डा नहीं, आप भी आए हैं आपको खड्डा नहीं दिखा, पर रहे मकान टूटने के बाद, रेड लाइन की बात है, एक कांग्रेस के टाइम के बाद जब बीजेपी सरकार आई है तब से लेकर आज तक हमारा दड़ुआ देखे, पूरे चंडीगढ़ में एक भी मकान नहीं टूटा आज तक, एक देखो जो गली सड़क बना ले कहां टूटा है, कोई मकान उधर गिर गया, कुर्सी चौके वो नई वादी नहीं, आज गाड़ी के लिए बता दो कोई, मेरे को पता जानकारी है भाई, ऐसा मकान नहीं टूटा है, यानी मकान ना भी टूटा हो, लेकिन ये तो धमकी मिलती रहती है कि आपको सहूलियात दी जाएगी। एडवाइजर का स्टेटमेंट है या तो इसके बारे में या फिर हम आएंगे दोबारा, कंफ्यूज होकर बात करते, मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हां नहीं नहीं, वो ठीक है, आप ही पहले इनके दोबारा पूछ लो भाई साहब, मैं इंतजार, अरे भाई हैं आप, अरे भाई तो है ही है, नहीं चलो कोई बात, हां मेन जो तलवार लटक रही है इसको, देखो ऐसे है, कोई तलवार नहीं ऐसी, कोई कुछ नहीं है, एक प्रोसेस में है, एक कमेटी बनी, बन रही है, कमेटी बनी है, कमेटी डिसीजन लेकर सेंटर में जाएगी, इसका सेंटर में मुद्दा रखा गया है, वो एक कमेटी बैठा रहे थे कि इसको किस ढंग से किया जाए, भाई लाल की कितनी बढ़ानी है, पहले तो ये मुद्दा था कितने फुट बढ़ानी है, 100 फुट 50 फुट, ऐसा कुछ नहीं होना, कभी जो भी मकान बने सारे रेगुलर होने चाहिए, इसकी कमेटी बन चुकी है, कमेटी जा रही है, हमारी हफ्ते पहले भी बात हुई है कि हमारे इस पर सबको दिक्कत है, इनको भी है, हमको भी, सबको भी, ये दिक्कत कम से कम हमें 30-40 साल से जहाँ से देख रहे हैं। चलो ठीक है, उसके बाद ये 14,000 के बाद अपने इलेक्शन हुए बीजेपी, उसके बाद एक भी मकान नहीं गिरा, मकान गिरने भी आए हैं, उन्हें खानापूरी करके वापस चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जमला जी हमारे साथ और भी आपके इलाके के जो है वो सीनियर सिटीजन जो हमारे नागरिक हैं, जनरल गिल हैं हमारे साथ, काफ़ी सीनियर हैं, इनसे हम पूछते हैं। गिल साहब, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, और अब तक जो यहाँ पर नुमाइंदे रहे हैं जनता के, उनका काम कैसा रहा है और किस तरह का नुमाइंदा आप चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सेलेंस मेंटली जी मोदी जी ने जो किया है कि वन रैंक वन पे जी, ये सालों से, मैं 1962 में भर्ती हुआ था, ऐसा है कि हम चूंकि बात कर रहे हैं लोकल इलेक्शंस की, लोकल इलेक्शन में सड़क, बिजली, पानी और इस तरह के मुद्दे जो है वो, मेरा थोड़ा और टाइम लेना था मैंने, क्या है कि अब वो मुद्दे जो है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो जाते हैं, तो आप इस इलाके के निवासी होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपको, यहाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि वन रैंक वन पे से को देख कर ही सारे फौजी वोट करें। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि जो लोकल इलेक्शन होते हैं उसमें भी वन रैंक वन पेंशन जैसे होते हैं, जो फौजी होता है वो पॉलिटिकल होता है, वो तो नहीं देता है, उसको तो सर्विस में अच्छी पे मिले, रिटायरमेंट के बाद पे मिले, उसकी मेडिकल सब मिले। और हमारे साथ मेरी बात नहीं पूरी सर, जो कुलवंत जी के पास भी हम आएंगे आखिर में, लेकिन फिलहाल हम आप भी यही करने वाले हैं, आपको पहले भी परिचय दिया, मैं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, तो बात वार्ड की हो रही है, तो यहाँ पर 3 एरिया हैं, एक तो हमारा दड़वा पिंड हो गया, एक कच्ची कॉलोनी हो गई, और एक EBS फ्लैट जो दिए गए। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं 4 नंबर की बात करूंगा, जब बंसल साहब सरकार में थे तो उन्होंने करीब 800 करोड़ की लागत से मकान बनाए थे, 18,000 करीब मकान बने हुए हैं जी, और उनका लक्ष्य था 25,000 मकान,
तो बीजेपी सत्ता में आए हुए करीब 7 साल हो गए, 7 सालों में बीजेपी जो है उन कच्ची कॉलोनियों को ही नहीं तोड़ पाई और जो मकान बने हुए हैं उन मकानों को अलाटमेंट नहीं कर पाई। उसके बाद पेंशन की बात, जो वृद्धा पेंशन या दूसरी पेंशन की बात है, तो आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, एक ICICI बैंक का इन्होंने वो दिया हुआ है सोशल वेलफेयर में ATM कार्ड, आप उसका ऑफिस 40 सेक्टर में है, आप 40 सेक्टर में अगर जाके चेक करेंगे तो वो सीधी ऐसे करके स्टेयर है चढ़ने के लिए, बहुत बार कंप्लेन कर दी लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। एक जो अपाहिज है मतलब अंग जी, उसकी पेंशन लगी हुई है, वो ऊपर कैसे जाएगा, हर साल उनको रिन्यूअल करानी पड़ती है या उनका ATM कार्ड बंद हो जाता है। हमने कई बार कंप्लेन कर दी, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी उन्हीं के पास ठेका है, ये परेशानी है। दूसरी है कि लाल डोरे की जो बात की, वो वैसे ही लटक रहा है। चलो, लाल डोरे के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, अब हम इनका जो अब ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, और दूसरा जो विकलांगों को लेकर जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वो नहीं दिख रही है, तो ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं। मेरा कहना है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी का कोई दफ्तर ऊपर नीचे है तो देखेगा प्रशासन देखेगा, ऐसा कुछ है नहीं, जिहड़ा कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और किसी ना किसी को जो विकलांग है तो उसको भी हेल्प दी जाती है, उसको नीचे आके भी उससे बात सुनी जाती है, उसको पेंशन दी जाती है। ऐसा तो कोई लगता है कि कड़े मुद्दे थे, मेन भारू तो यही रहेंगे कि लाट होने के बाद मकान पक्के हो जाए, और मेन सारा तो यही मुद्दा है, और बिजली पानी तो ठीक है, गड़बड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलियां सारियां सरपंच ने पूरी पहले पक्कियां करती हैं, वो भी ठीक ने, अगर बाकी पिंड के शुरू हो गया बिजली अपना सीवरेज का काम, पानी का काम पिंड शुरू हो गया, बाकी भी सारा काम बाहर हो जाएगा, यही बीजेपी का क्वेश्चन। चलो, इसके साथ साथ हमारे साथ कुलवंत सिंह जी मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ सर, विकास तो हमारी पानी की प्रॉब्लम थी, हमारे 2 नए ट्यूबवेल लगे, जहाँ एक ट्यूबवेल जो है ट्यूबवेल लग गया जी, ठीक है जी, 3 नए ट्रांसफर पानी की प्रॉब्लम, जैसे कि तैसे है नवा गांव के ऐसे मैं बताता हूं, ऐसे पानी की समस्या जैसे कि मैं बताता हूं, देखो जी, इसमें आए 3 लोग और दफ्तर करते रहो, आप काम आदमी आप का आप दरगो का ही है जी, दरगो में आए दिन मैं बताता हूं, आप इनको स्टेटमेंट दे देना, मैं आपके पास आ रहा हूं, चलो बता देना, आप बता देना, आप पहले बात कर लेते हो उनको, के बाद क्या बात है, तो आपको काम दिया गया करना ही आपने, वो आपको काम दिया गया वो करना आपने, मगर पानी पूरा आ रहा है, टूट पीछे पानी बहुत है, नहर का पानी आने वाला, नहर का पानी आने वाला, गोफा के तौर पर, गोफा के तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे दिन की वादा किया था, अभी पूरे की बात हो रही थी, ये क्या नाम है, MC टैक्स, MC टैक्स से लेकर खाली टैक्स पर टैक्स, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी टैक्स के अलावा और कोई काम नहीं है, इनका ओनली वोट टैक्स, टैक्स के अलावा कोई काम नहीं है, बिजली का बिल उठाओ, अरे नहीं भाई जी, MC टैक्स, सीवरेज टैक्स, पूरा उठा था, उठा टैक्स लेना है, कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जरूर जी, आपको पूरा ऐसे है, ये भाई साहब ने सारे प्रॉब्लम ले ली, हाँ जी, आपकी भी ले रहे हैं, जो भी बात किया इन्होंने ठीक किया, अपने अपने प्रॉब्लम सारे बता रहे हैं। सन 1972 में मेरे फादर साहब यहाँ से सरपंच रहे जी, उसको 1993 में मैं सरपंच बन गया जी, तो प्रॉब्लम जी चलती आ रही है ना, शुरू तो चलती आ रही है, इसे लाल डोरे दी यार, बाकी भी लाल डोरे दी, सारे पिंड च ही है, सारे पिंड च ही है, सारा गड़वा पिंड नहीं सिर्फ हैगा, ये सारे पिंड दी प्रॉब्लम सारे है, पूरे वैसे तो इंडिया च ही है जी, इदा दी प्रॉब्लम, लाल डोरा सॉल्व नहीं होया, इसे मैं इसे सॉल्व करने दी बड़ी कोशिश कीती अपने टाइम दे विच जी, मेरी पवन बंसल जी नाल भी गल हुई सी जी, पवन बंसल जी जिहड़ी प्रॉब्लम कद तक चलती रहूगी, ये पवन बंसल ने यही सलाह दी सी, कहिंदा कुलवंत सिंह जी एक मसला हल हो सकदा है, भी जे जमीन नूं अक्वायर कीता जावे जी, ये 15-16 साल पुरानी गल है जी, जी भी जो जमीन अक्वायर करके भी उत्थे फ्लैट बनाए जाए, हर किस्म के 1 बैडरूम 2 बैडरूम 3 बैडरूम जिदा जिदा की किसी को प्रॉपर्टी हैगी है, वो मुताबिक उन्होंने मैं क्या जी बिल्कुल मैं यही थोड़ा सलाह देनी चाहता है भी सारे, एक तो जी 60 एकड़ जमीन च बैठे, 100 एकड़ जमीन च लाल डोरे तो बाहर बंदे बैठे ने,
ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਡੋਰ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਲੈਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਾਲ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਵੀ ਚੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੈਰਾਫਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੜੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਚਿਵ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਤੇ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਥਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਗਾਉਂ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਸਮੇ ਪੂਰੇ ਕਾ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਤਰਫ ਸੇ ਤੋ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਕੂੜੇ ਕਾ ਢੇਰ ਕਹਾਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਗੀ ਹੈ ਕਿਆ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਸੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀਆਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਕਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਟਾਈਲੇ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਖੜੀ ਪੜੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਈ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੁਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆ ਜੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਆ ਨਗਰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜਬ ਜਿਮ 2019 ਕੋ ਮਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੜੀਏ ਕੀ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਕੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰੀਜਨੇਬਲ ਜੋ 2 ਮਰਲੇ ਕਾ ਮਕਾਨ ਉਸਕੋ 50 ਰੁਪਏ ਲਗਾਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਸੇ ਕੂੜਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਬਾਤ ਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕਾਰਕਰਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੀਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਯਹਾਂ ਬਤਾਏ ਕਹਾਂ ਪੇ ਨਸ਼ਾ ਬਿਕਤਾ ਹੈ ਯਹ ਅਭੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਿਕਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਚੌਕਸ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆਤਾ ਤੋ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਬਤਾਓ ਰਹੀ ਜੋ ਬਾਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਭੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲੈਟ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਏ ਫਲੈਟ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹਮਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਆਜ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਸੇ ਮਾਂਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਥੇ ਤਬ ਤੋ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅੱਜ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ 114 ਬੂਥ ਹੈ 22 ਗਾਓਂ ਕੇ ਹਮ 109 ਬੂਥੋ ਪੇ 40,000 ਵੋਟੋ ਸੇ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਕਾ ਜੀਤੇ ਥੇ ਔਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਵੀ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਮਤੋਂ ਸੇ ਜੀਤੇਂਗੇ ਬਾਰੀ ਮਤੋਂ ਸੇ ਜੀਤੇਂਗੇ ਆਪਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਰੌਲਾ ਡਾਲਨਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਲਾਓ ਆਪਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਮ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਬਾਰੀ ਮੈਡਮ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਪਲੈਟ ਬਣਾ ਸਾਲ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਲ ਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ 70 ਸਾਲ ਮੇਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਸਾਲ ਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ये बीजेपी वाले कह रहे हैं तभी तो आज गांव वाले किसी भी गांव में जाने से पहले बीजेपी नेताओं को पुलिस की शरण में जाना पड़ता है तुम्हारे भी हमारे भी ऐसे के कार्यकर्ता भी ऐसे की तारीफ करता है बीजेपी के नेता तारीफ कर रहे हैं हर जगह पर में इसके काम हो रहे हैं नगर पुलिस का नहीं किसी का काम लगाया जैसे पिछले जो कॉर्पोरेशन चुनाव थे उस टाइम भाजपा के सीनियर नेताओं द्वारा एक फार्म भरा गया था कि 2022 से पहले मोदी जी सभी को मकान देंगे अरे कहां से देंगे मकान सुनो मेरी बात जब चंडीगढ़ में एक भी मकान बनाया ही नहीं है ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
कोई ऐसा फार्म नहीं भरा गया जो 100 रुपए लेके फार्म भरा गया हो सिद्ध कर दे। तमाम पार्टियां एक भी फार्म नहीं भरा गया ऐसा जो पिछला रोप लगा रहे हैं नहीं फार्म भरा गया कोई रोक नहीं हमारे हमारा विजन है हम वार्ड नंबर 9 का विकास करेंगे, चंडीगढ़ का विकास करेंगे और साथ साथ में जो कांग्रेस ने किया है वो साथ साथ कचरा साफ करने में लगे मॉडल को यहाँ पे लेके आएंगे 30,000 काम करेंगे और झाड़ू तो करके झूले दिए हमने करके दिखाया है थोड़ा बबली का वो भाजपा सरकार भेजती जा रही है 70 साल से कांग्रेस बनाया हुआ है सरकार भेजती है हमारे सरपंच साहब ने बोला कि हमारे पीछे ट्यूबवेल करवाया सच्चाई है सच्चाई है लेकिन ये इतने इलाके के लिए पूरे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।